दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ये मिल्क एटीएम है, इसको कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो कैलिब्रेशन करने के लिए हम लोड सेल का वायर को पैनल से कनेक्ट करेंगे। मेरे पैनल में ऑलरेडी पहले से हो रखा है, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये DV9 का कनेक्टर है, इसके अंदर हम कनेक्शंस कर देंगे। कनेक्शन करने के दौरान हम ये चीज़ को ध्यान दें कि मेरे ट्रे पे कुछ लोड ना रहे, और उसके बाद हम यहाँ पे पैनल पे आएंगे। पैनल पे देखेंगे यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, किसी किसी पैनल में स्टॉप लिखा हुआ रहता है, तो हम इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद हम 9 को प्रेस करेंगे। 9 को प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करेंगे। 1 अभी भी हम ध्यान दें कि मेरे ट्रे पे कुछ लोड ना रहे, तो लोड नहीं है तो अब हम इस पर 1 kg का वेट रखेंगे। 1 kg का वेट रखने के बाद हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे। यहाँ देख लें कि इसे मेरा वेट सही तो आ रही है ना, तो हाँ इसमें सही आ रही है। 1-2 बार प्रेस करके आप देख सकते हैं सही है। अब उसके बाद हम 5 kg का वेट रखेंगे। 5 kg के वेट रखने के बाद हम 3 प्रेस करेंगे। 3 प्रेस हो गया, यहाँ पे 5 kg आ रहा है, सही है। अब मेरा जो है कैलिब्रेशन हो चुका है। अब हम पैनल को फ्लो कैलिब्रेशन कराएंगे। तो फ्लो कैलिब्रेशन कराने के लिए मुझे पैनल पे स्टॉप या अबॉर्ट इसको प्रेस करना होगा। इसको प्रेस करने के बाद इंटर को प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं फ्लो कैलिब्रेशन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है फ्लो कैलिब्रेशन होने में, आप देख सकते हो। अब हम आपको बताएंगे कार्ड को ईशू कैसे करते हैं। तो कार्ड को ईशू करने के लिए मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ SPP करके एक एप्लीकेशन आती है, उसको हम ऑन करेंगे। उसको हम ऑन करने के बाद ये स्कैनिंग ऑटोमेटिक खुद ब खुद ले लेती है। तो स्कैनिंग करने के बाद इसमें देख सकते हो आप, मेरे पैनल का कोड आ गया है ECA 065 करके। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन आया है, तो कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद बाइट स्ट्रीम मोड करेंगे। बाइट स्ट्रीम मोड करने के बाद हम इसमें ईशू का कमांड डालेंगे। देख सकते हो आप, ईशू का कमांड डालने के बाद मेरे पैनल पे स्कैन योर कार्ड का ऑप्शन आ गया। देख सकते हो आप, कार्ड इज ईशूड। एकदम आप देख सकते हो आसानी तरीके से कार्ड ईशू हो गई है। अब रहा कि हम कार्ड ईशू कर लिए हैं, कार्ड को रिचार्ज कैसे करें। तो रिचार्ज करने के लिए हम अपने ब्लूटूथ SPP ओपन कीबोर्ड PW इस पे हम कमांड भेजेंगे RCH स्पेस, जितना भी अमाउंट डालना है मुझे उतना लिख करके हम भेजेंगे। तो अभी 100 का मैं कमांड भेज रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। हाँ देख सकते हो, मेरे जो है से कार्ड ईशू भी हो गए, रिचार्ज भी हो गए। आप देख सकते हो बैलेंस भी दिखा रहा है 100 रुपीज़।